हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 38 एंड डेट इज September 30, 2020। एंड टुडेज टॉपिक इज हाइट एंड डिस्टेंसेस टर्मिनोलॉजी। यानी आज हम हाइट एंड डिस्टेंसेस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड सिर्फ टर्मिनोलॉजी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके फॉर्मूलेज हमें अब आते हैं, रिलेशंस बहुत सारे आ गए हैं। अब हम उसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के इंसिडेंट्स में, वो हम सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल एंड आंसर। द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड, अब एंगल बी के अपोजिट जो साइड है ये क्या है हमारी, ये है साइड ए सी, और इसका नेम क्या है, ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो क्या है ये, हाइपोटेन्यूस। द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी इज कॉल्ड, अब एंगल सी और इसकी एडजेसेंट साइड है बी सी, और बी सी हमारा क्या है यहाँ पर, इट इज बेस। एंड द साइड अपोजिट टू एंगल सी इज कॉल्ड, अब अपोजिट टू एंगल सी हमारा क्या है साइड ए बी, एंड इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। याद है हम ऐसे ही करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है। अब हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ राइट एंगल ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी ऊँचाई पर हाइट पे चढ़ने के लिए लैडर का यूज़ करते हैं, तो लैडर और जो हमारी वॉल है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ये, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली अगर हम किसी ट्री के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे पास जो एंगल आता है दैट इज़ 90 डिग्री। अब लाइट हाउस, अब हम लाइट हाउस जो है वहाँ पे कोई ये हमारा शिप है, शिप लाइट हाउस के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर हम तब देखें हॉरिजॉन्टली लाइन देखें तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। सिमिलरली हम किसी क्लिफ पे खड़े होकर कोई शिप है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री एंगल, इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हैं हमारे डिफरेंट केसेस, और ज़रूरी नहीं हम शिप को ऑब्जर्व करें, हम जब खड़े होते हैं नॉर्मल अपनी स्कूल बिल्डिंग के टॉप को भी देखते हैं, तो वहाँ भी आप देखिए अगर आप उस फिगर को बनाओगे तो भी 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिलेगा। सो नाउ यू कैन फाइंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। इन दीज सिचुएशंस वी यूज सम स्पेशल टर्मिनोलॉजी फॉर एंगल्स फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर हम स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स यूज़ करते हैं, आज हम वही टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हमारी वो स्पेशल टर्म्स क्या है। तो फर्स्ट टर्म इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, ये वर्ड सुना है, एलिवेटर। एलिवेटर में क्या होता है, हम एलिवेटर के थ्रू किसी चीज़ को ऊपर चढ़ाते हैं, अप करते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपनी आइज को ऊपर की ओर करके देखते हैं, यानी हम अपने सिर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके ऊपर देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। सो व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, काइट है यहाँ पर, एक ये काइट दिखाई हुई है, यहाँ से कोई बच्चा उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जर्व कर रहा है दैट इज़ लाइन ऑफ साइट, यानी वो देख रहा है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, पैरेलल टू अर्थ या पैरेलल टू फ्लोर जो भी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है दैट इज़ अवर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो काइट को देखने के लिए आपको आइस को ऊपर तो उठाना पड़ेगा ना, एलिवेट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस करना यानी किसी चीज को दबाना है ना, तो इसी तरह जब हम अपनी आइस को नीचे की ओर, दबाने से नीचे जाएगा, जब हम अपनी आइस को नीचे की ओर करते हैं यानी किसी ऊंचाई पे खड़े होकर हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। सो
when a person looks at an object downwards, then the line of sight of object and horizontal line of sight make an angle, and this angle is called angle of depression. For example, यहाँ पे किसी building के top पे हम खड़े हैं, ये एक कार है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. कई बार हम अपनी बालकनी में भी खड़े होते हैं और किसी को देखते हैं, कोई आ रहा है, किसी का अगर हम वेट कर रहे होते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो नीचे की ओर देखते हैं. तो ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, यानी जहाँ हम देख रहे हैं, हमारी देखने की डायरेक्शन, और ये है हमारी हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड. तो अब ये जो एंगल हमारा बना है, दिस इज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, या हम कहेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक अप, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक डाउन, एंड इट इज मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दीज आर द टू डिफरेंसेस between angle of elevation and angle of depression. And this is also the answer of our question number 1, right? The two differences between angle of elevation and angle of depression. So first difference is, angle of elevation is formed when we look up, angle of depression is formed when we look down. And it is measured above the horizontal line and it is measured below the horizontal line. तो यहाँ हमें आंसर भी मिल गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन का. अब देखते हैं आगे क्या है. नाउ स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे. लेकिन उससे पहले हमें उसे सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो फर्स्ट सबसे पहला काम ही हमारा ये होता है, जो भी हमें सिचुएशन दी है क्वेश्चन को देख के उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं. देन मार्क द एंगल्स पॉइंट्स एंड मेजरमेंट एज गिवन. और जो भी डाटा हमें गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं और मेजरमेंट्स लिखते हैं. देन यूज द एप्लीकेबल रेशियो, फॉर एग्जाम्पल साइन कॉस टेन एक्सेट्रा टू फाइंड द अननोन मेजर एंड सॉल्व. और साइन कॉस टेन हम सीख ही चुके हैं, बस हम ये देखना है परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेनस निकालना है तो कौन सा रिलेशन यूज करना है, बेस दिया है परपेंडिकुलर निकालना है तो कौन सा रिलेशन यूज करना है. तो ये हमें रेशोस को देख के कौन सा रेशो यूज करना है वो चेक करना होता है. अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, डिफरेंसेस देख लिए हमने. अब सेकंड क्वेश्चन है, नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड अ शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ एग्जाम्पल्स. अब यहाँ हमने ऊपर कुछ फिगर्स देखे थे, उसमें जो इमेज 3 है, यानी ये वाली इमेज जो है, इसमें शिप और टावर, ये जो हमारा लाइट टावर है, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है ये हमें बताना है. तो व्हाट ये एंगल, यानी इफ दिस एंगल इज थीटा, विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जल्दी बताइए. वेरी गुड, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, शिप से हम टॉप पे देख रहे हैं. अगर हम टावर के टॉप से शिप को ऑब्जर्व करेंगे देन इट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहाँ हम दोनों केसेस लिख सकते हैं, शिप टू टावर टॉप, अगर हम टावर टॉप पे देख रहे हैं तो कौन सा होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, और अगर हम टावर टॉप से शिप पे देख रहे हैं तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तब एंगल ऑफ डिप्रेशन का सीन और होगा यहाँ पर. अभी तो जैसे हमने नीचे से ऊपर की ओर ये एंगल ले लिया थीटा, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा. तो इस केस में तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ही है. क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग. फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज बीटा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो इन द सी इज अल्फा. द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर्स. तो अब फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल, तो ये रहा हमारा सी लेवल, यहाँ से 65 मीटर अबव,
यानी यहाँ पर किसी पॉइंट से, ये हमारा जो मेजरमेंट है वो 65 मीटर्स है, यहाँ से हम किसी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी क्लाउड जो है वो यहाँ कहीं है, ये क्लाउड हो गया। फिर अब इस क्लाउड से यहाँ तक ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा साइट ऑफ, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजेंटल लाइन है उसके बीच में होता है, इट मीन्स दिस एंगल, दिस इज गिवन एज बीटा। नाउ शेडो, शेडो ये हमारा सी लेवल है, तो सी लेवल के अंदर यहाँ शेडो बनेगी, ओके ये शेडो है। अब इसी पॉइंट से हम उस शेडो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी यहाँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अल्फा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये एंगल जो है दैट इज अल्फा, ये हो गया हमारा अल्फा। एंड द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर, और ये जो हाइट है हमारी क्लाउड तक की हाइट, इट इज 518 मीटर्स। तो दिस इज द फिगर अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन। सो अब इसे नेम कर दें, ये ए बी सी डी ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देख कर अकॉर्डिंग टू देयर लाइन हम फिगर फॉर्म कर सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो हैं, आपका चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें सॉल्व नहीं करना, उनके क्वेश्चंस को देख के हर क्वेश्चन के लिए फिगर बनाने का ट्राई करना है कि कैसे उसकी फिगर बनेगी। सॉल्व करने का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।